हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज 11 नवंबर 2022 SSC CPO फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए GK प्लस साइंस प्लस करेंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं, ऑल क्वेश्चन और 100% रियल। यदि आप पेपर दे के आ रहे हो तो क्वेश्चन में डाला, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना पेपर 100% रियल है। यानी वीडियो का PDF चाहिए क्वेश्चन का आपको, तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? या तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हूबहू मिलेगा आपको, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बताने का स्टूडेंट थोड़ा सा 19-20 कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको रियल मिलेगा, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो सकता है। एक स्टूडेंट ने बताया, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आगरा शहर किसने बनवाया था, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर दिल्ली संतलत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, ठीक है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। आज मैक्सिमम क्वेश्चन मिल चुका है, हम लोग सब देखेंगे और लास्ट में आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश भी बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। स्टूडेंट ने बताया, एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 76 से, तो आपको बता दें कि पॉलिटिकल से हर रोज़ 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या था? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। संविधान के अनुच्छेद 76 का एक के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछा गया था, देखिए नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NCO की तरफ से जारी साक्षरता पर एक रिपोर्ट ने 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर से देश का साक्षरता नंबर 1 है। आप लोग जानते हैं केरल बहुत दिन से साक्षरता में सबसे नंबर 1 पे है। वहीं हम आपको बात कर लें सबसे कम साक्षरता का, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जो केवल 61.80 है। देखिए सारा क्वेश्चन का हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं। अभी आप ज़्यादा जान लिए तो हो सके आगे आपको कम पूछ दे, तो बिहार का हो जाएगा सबसे कम साक्षरता दर 61.80, याद रखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ओलंपिक में अब तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ओलंपिक में अब तक भारत ने 10 मेडल जीता है, जबकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये क्वेश्चन था या फिर ओलंपिक में 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, ये क्वेश्चन था। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, जबकि हम आपको दोनों तीनों का आंसर बता देंगे, आप अपने अनुसार क्लियर करना क्या था। ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल पदक कितना बताया, 10 मतलब जीता अभी तक गोल्ड मेडल, और ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते, इसमें 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है। इससे पहले 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। भारत ने डेप ओलंपिक 2021 में अब तक 16 पदक जीते हैं, इसमें 8 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। देखिए स्टूडेंट ने बताया क्वेश्चन था ओलंपिक में अब तक भारत में कितने मतलब अब तक भारत ने कितने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। बाकी यदि क्वेश्चन ये होगा कि देखिए तो हम आपको राष्ट्रमंडल खेल ही बता दिए, ओलंपिक 2018 का ही बता दिए और भारत के डेप ओलंपिक 2021 का ही बता दिए, क्लियर कर लीजिएगा आप क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट ने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह मूल रूप से प्राकृति में एक अध पारगम्य झिल्ली है और बाहरी दुनिया के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। कोशिका में अणुओं का परिवहन प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है। यह नियंत्रित करता है कि कोशिका में क्या आता है और क्या जाता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट ने बताया, नवरात्र कब और क्यों मनाया था, नवरात्र से एक क्वेश्चन था स्टूडेंट ने बताया, तो क्या यही क्वेश्चन था या इससे कुछ अलग था, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भगवान राम से जुड़ी हम इसका पूरा डिटेल आपको आंसर बताते हैं, भगवान राम से भी जुड़ी है मान्यता। देखिए आगे देखिए, अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था, ठीक है? नवरात्रि से क्वेश्चन था। स्टूडेंट ने बताया कि कुछ स्टूडेंट बता रहे थे गुजरात का नृत्य त्यौहार पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि झारखंड का त्यौहार पूछा था, हम आपको दोनों बताते हैं, आप अपने अनुसार क्लियर कर लेना।
नवरात्र देखिए गुजरात के प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं हम लोग, नवरात्रि गुजरात के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार में से एक है। नवरात्रि जो है गुजरात का प्रसिद्ध त्यौहारों में से एक है, याद रखिएगा। जब वही हम झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, देखिए झारखंड का हम लोग बात करते हैं तो इस राज्य में मनाने जाने वाला त्यौहारों में से झारखंड का भारत में सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत उपस्थिति का पता चलता है। हालांकि झारखंड के मुख्य आकर्षण आदिवासी त्यौहारों के उत्सव में होता है, भारत की सबसे प्रमुख उल्लास के साथ मनाए जाने वाली त्यौहार में से एक है सरहुल। झारखंड का प्रमुख त्यौहार है सरहुल। यदि पूछा नहीं भी गया होगा दोनों में से, या तो गुजरात का पूछा गया होगा या झारखंड का, आप क्लियर कर लीजिएगा। नहीं पूछा गया तो आगे आपको जरूर काम आएगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट ने बताया ताजमहल का, ताजमहल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ताजमहल की स्थापना किसने करवाया, देखिए ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसे 1632 से मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया, जिसने द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के रूप के लिए शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग मैथ का, तो मैथ में परसेंटेज से लगभग हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन, एल्जेब्रा से स्टूडेंट ने बताया तीन से चार क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिकोणमिति से एक से दो क्वेश्चन रहता है, एसआईसीआई सबसे एक एक क्वेश्चन, एलसीएम एससीएफ से दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और बात कर ले आपको मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन रह रहा है, ये सब आप लोग क्लियर करिए। रीजनिंग का बात करें तो डाइस से हर शिफ्ट में दो से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मिरर इमेज से बात करूं मैं तो मिरर इमेज से भी दो से तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन इसमें दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से दो से तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में। उसके बाद कैलेंडर से आज के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट ने बताया। और बात कर ले हम जीके जीएस का ही, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं बताया जबकि स्टूडेंट ने बताया कि कृषि सेक्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद उपाधि कोई व्यक्ति कौन सा था उसका पता नहीं, जैसे होता है ना कि महात्मा गांधी को ये चीज़ का उपाधि किसने दिया, तो रविन्द्र टैगोर को किसने दिया, तो ऐसा भी क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। बाकी वीडियो का पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो का एनालिसिस लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।